हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना सेकंड चैप्टर कर रहे थे, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में आपको मैंने मिक्सचर्स के बारे में कराया था, होमोजेनियस और हिटरोजेनियस मिक्सचर्स के बारे में आपको बेटा बताया था, ठीक है ना। लास्ट में हमने अलॉयज करे थे, ठीक है ना। ब्रेस में हमने ब्रास और ब्रॉन्ज के बारे में तुम्हें बताया था मैंने, ठीक है ना, कि कॉपर प्लस जिंक ब्रास एंड कॉपर प्लस टिन जो होता है वो ब्रॉन्ज होता है, ठीक है। तो आज आपको एक घर के लिए काम देती हूँ कि कॉपर कितने परसेंट होता है, जिंक कितने परसेंट होता है ब्रास में, आप वो पता करना, और ब्रॉन्ज में कितना कॉपर और कितना टिन होता है परसेंटेज में वो आप पता करना, ठीक है। और पता करना और फिर मुझे जो है सेंड करना मेरे व्हाट्सएप पे कितने बच्चों ने सही सेंड करा, ओके। अच्छा जी, अलॉयज में अच्छा एक और एग्जाम्पल जो पिछली बार बताना रह गया था, जैसे हमें पता ना हमारी गोल्ड ज्वेलरी कितने की होती है, 22 कैरेट, या जनरली हम जो बनाते हैं 22 कैरेट की होती है। जैसे प्योर गोल्ड को कितना बोलते हैं, 24 कैरेट। जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है, मैंने बताया था बड़ा डेलिकेट सा होता है, ज्वेलरी बनती नहीं है, तो उसमें कॉपर मिक्स कर देते हैं बेटा। तो 22 कैरेट का हम क्या करते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं। तो एक्चुअली उसमें 22 पार्ट्स क्या होता है, गोल्ड होता है, और 2 पार्ट्स बेटा उसमें क्या होता है, कॉपर होता है। तभी तो 22 कैरेट, 21 कैरेट, 20 कैरेट, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि गोल्ड कम होता जाएगा और कॉपर की क्वांटिटी उसमें बढ़ती जाएगी, ठीक है, ओके। सो आज हम होमोजेनियस मिक्सचर्स का ही एक टाइप पढ़ेंगे और वो है सॉल्यूशंस। क्या है सॉल्यूशंस? सॉल्यूशन जैसे पता ही होगा आपको जनरली कि सॉल्यूशन क्या होता है ना, कि जब भी कहते हम क्या करते हैं, नमक में पानी में नमक घोल दिया तो सॉल्यूशन बन गया। लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सिर्फ नमक और पानी के घोल को ही सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, ओके। किस किस को सॉल्यूशन करते हैं और बोलते हैं वो हम आज डिस्कस करते हैं, ओके। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा, सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस का मतलब कि हमने दो से ज्यादा वो सब्सटेंसेस मिक्स करने हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। वो सब्सटेंसेस का मिक्सचर, ठीक है, जो आपस में केमिकली रिएक्शन नहीं करता है, केमिकली आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। मेन सोल्यूशन के लिए जो बात आती है कि सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मेरे साथ दोहराइएगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है, तो जो कम क्वांटिटी में होता है, इन लेसर क्वांटिटी, ठीक है ना। जब भी जैसे एक सॉल्यूशन बना है तो उसमें जो कम क्वांटिटी वाली चीज होगी बेटा उसको बोलेंगे सॉल्यूट, और जो मोर क्वांटिटी में होगी, ठीक है ना, ये कम और ये ज्यादा, तो वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। और एक और चीज बता दूं कि जो सॉल्वेंट का नेचर होता है बेटा वही सॉल्यूशन का नेचर होता है। अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो आपका सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। अलॉयज मिक्स किया ना हमने, गोल्ड को मिक्स किया कॉपर में, गोल्ड भी सॉलिड, कॉपर भी सॉलिड, होमोजेनियस मिक्सचर बना, और होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन होता है बेटा, ठीक है। तो कॉपर कम क्वांटिटी में है तो कॉपर सॉल्यूट हुआ, गोल्ड ज्यादा है तो गोल्ड सॉल्वेंट हुआ, ठीक है। तो जो सॉल्वेंट का जो बिहेवियर होता है वही किस क्या होता है, सॉल्यूशन का। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन आपको लिक्विड जैसा दिखाई देगा, अगर आपका जो सॉल्वेंट है सॉलिड है तो आपको सॉलिड दिखाई देगा, अगर आपका सॉल्वेंट जो है वो गैस है तो आपका सॉल्यूशन भी कैसा होगा, गैसियस होगा, ओके। सो यहाँ पे एक टेबल सा मैंने बना के रखा है, ये इतने टाइप के सॉल्यूशंस बन सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स भी मैंने बता के रखे हैं, आइए डिटेल में एक एक को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो सॉल्वेंट है वो क्या है बेटा, सॉलिड है। मैंने क्या बोला, जैसा सॉल्वेंट वैसा ही सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी कैसा हुआ, सॉलिड सॉल्यूशन हुआ बेटा, ठीक है। अगर तो सॉल्वेंट सॉलिड है, ठीक है, सॉल्वेंट आपका सॉलिड हो गया, ठीक,
और अगर उसका सॉल्यूट, ये जो सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड लिक्विड गैस है ये क्या है बेटा, सॉल्यूट्स है। सॉल्वेंट फिक्स कर लिया है हमने, सॉल्वेंट फिक्स कर लिया है, सॉल्वेंट क्या है सॉलिड है, जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉलिड है। कम क्वांटिटी में मान लो अगर सॉलिड ही, कम क्वांटिटी में भी सॉलिड ही डाला है, ठीक है, तो उसका एग्जांपल क्या है, एलॉयज, जो भी मैंने बताया, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है, एलॉयज या आपका टेलकम पाउडर, पाउडर जो आप डालते हैं वो भी सॉलिड ही मिक्सिंग होती है उसमें, ओके। अब नेक्स्ट, सॉल्वेंट फिक्स है, सॉलिड ही है, लेकिन अगर हमारा सॉल्यूट लिक्विड है, देखो सॉलिड ज्यादा क्वांटिटी में है, है ना, सॉल्वेंट, उसमें कोई हमने क्या डाला हुआ है, लिक्विड सॉल्यूट डाला है, तो इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल जैसे मिट्टी में मॉइस्चर, मिट्टी आपकी सॉलिड है बेटा, मिट्टी एक्ट एज अ सॉल्वेंट और उसका जो मॉइस्चर है वो सॉल्यूट एक्ट कर रहा है, समझ आ गया ना। जैसे मिट्टी में क्या है, हल्का सा पानी है, या आपका नमक जो बेटा बरसातों में नमक पानी क्या लेता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ना, गीला गीला जैसा हो जाता है, तो वो भी क्या एग्जाम्पल है, वो भी है लिक्विड इन सॉलिड। इसको कैसे पढ़ते कैसे हैं, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉल्वेंट फिक्स है, सॉलिड ही है, ठीक है। अब गैस इन सॉलिड, सॉलिड ज्यादा क्वांटिटी में है और गैस थोड़ी बहुत है बीच में, तो इसका एग्जांपल स्पॉन्ज या प्यूमिक स्टोन, स्पॉन्ज होता है ना जो गद्दों वगैरह में बिछाते हैं, तो उसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं बेटा, उन पोर्स के अंदर क्या होती है गैस, लेकिन पूरा स्पॉन्ज तो सॉलिड है, छोटी छोटी छोटे छोटे उन छेदों में ही है तो है गैस। या आपकी जो सूखी सी ड्राई सी लकड़ी होती है जो पानी के ऊपर तैर जाती है जिसमें छेद 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 होते हैं, तो उन उन होल्स के अंदर क्या होती है, एयर ट्रैप होती है, तो एयर थोड़ी हो गई और बाकी वो जो लॉग है वाटर सॉरी वुड का जो लॉग है वो बड़ा है, ठीक है ना, तो गैस इन सॉलिड, ठीक है। या चारकोल का एग्जाम्पल लेते हैं, चारकोल भी आपका क्या करता है, एयर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। या जो पाओ को घिसते हैं साफ करने के लिए प्यूमिक स्टोन होता है, उसमें भी छोटे छोटे छेद होते हैं, वो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं आपके, ठीक है, गैस इन सॉलिड के, ओके। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सॉल्यूशन कैसे कहलाते हैं, ये कहलाते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्यों बोला, कि इनमें सॉल्वेंट क्या है बेटा, लिक्विड है। अब सॉल्वेंट फिक्स हो गया लिक्विड, सॉल्वेंट हमने लिक्विड ही रखना है, सॉल्यूट को बदलते जाते हैं, ठीक है, तो सॉल्वेंट हमारा लिक्विड। अब पहला, सॉल्वेंट लिक्विड है, अगर उसमें सॉल्यूट हमने कोई सॉलिड सॉल्यूट डाल दिया, सोचो एग्जांपल सोचो, सॉल्वेंट लिक्विड है, ज्यादा क्वांटिटी किसकी है लिक्विड की, थोड़ा सा उसमें सॉलिड डाला, क्या चीनी को पानी में घोला, नमक को पानी में घोला, ठीक है ना, वो क्या हो सकता है आपका, वो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल हो सकता है। सेकेंड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड भी सॉरी सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, तो वो क्या है, अल्कोहल को पानी में घोला, ठीक है, विनेगर, विनेगर क्या होता है, विनेगर होता है सिरका बेटा आपका, ठीक है ना, घरों में चौमिन वगैरह में सिरका, मैंने पीछे भी अभी सॉरी आपको आपने पढ़ा होगा ये कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, है ना, पिछली क्लासेस में पढ़ा है आपके, ठीक है, तो विनेगर में भी क्या होता है, विनेगर में वाटर मिक्सिंग होती है ना, 5-7% ही होता है विनेगर, बाकी सब पानी होता है, तो विनेगर भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, तो लिक्विड इन लिक्विड का ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट इज गैस इन लिक्विड, तो गैस इन लिक्विड क्या, सोडा की बोतल खोलते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है उस पानी में, ठीक है ना, सोडा में, सोडा क्या है ना, सोडा वाटर बोतल, ठीक है ना, शैंपेन की बोतल खोलते हो आप, तो गैस उसमें, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमने डाली हुई होती है, ठीक है ना, लिक्विफाई करके कार्बन डाइऑक्साइड डाली होती है, तो वो आपका गैस इन लिक्विड का एग्जांपल आ जाएगा। नेक्स्ट है गैसियस सॉल्यूशन। अब जो गैसियस सॉल्यूशंस हैं आपके, उनमें सॉल्वेंट फिक्स है बेटा, गैस ज्यादा क्वांटिटी में गैस है, अब सॉल्यूट वेरी करते रहते हैं, अगर सॉल्यूट सॉलिड है, अब सोचो गैस बड़ी ज्यादा और उसमें थोड़ा 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 सॉलिड पार्टिकल्स है, कैसे, आग जलाते हैं ना, जब धुआं निकलता है, धुआं किसका निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, लेकिन साथ में वो छोटे छोटे काले 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 कार्बन के पार्टिकल्स निकलते हैं ना, जिससे वो सारा काला भी हो जाता है, ठीक है ना, कई बार आप हाथ को ऐसे करेंगे, कागज को जलाते हैं तो कागज में ज्यादा होता है कार्बन, ठीक है ना, तो कार्बन के पार्टिकल्स एयर में, ठीक है, वो क्या है आपका, वो आपका गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है, बोलेंगे कैसे, सॉलिड इन गैस। अब लिक्विड इन गैस, गैस फिक्स है, थोड़ा थोड़ा
पूरा लिक्विड है गैस के अंदर, तो वो क्या हो सकता है, एयर में, हमारी एयर है, एयर कितनी ज्यादा है, हल्के से उसमें मॉइस्चर के कंटेंट है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, लिक्विड इन गैस एंड लास्ट गैस इन गैस। और गैस इन गैस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटा एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब आपस में मिक्सड है, तो गैस इन गैस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये टेबल आप अच्छे से स्टडी कर लेना। ठीक है, और एक अच्छा एक बात याद रखना कि जो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं बेटा इमल्शन। क्या बोलते हैं, इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हम इमल्शन बोलते हैं, ये हमेशा याद रखना। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, आगे सॉल्यूशन के टाइप पढ़ाएंगे हम, और बाद में आपके आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म्स भी बताऊंगी। ठीक है ना, कैसे कैसे होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।